है? क्या हुआ, कोई बुरा सपना देख लिया क्या? मुझे लगा जैसे कंचन पुकार रही हूँ। लगता है हमारी बेटी भारी तकलीफ में है। अरे सुबह सुबह तो सुबह सुबह बोलो कंचन की माँ, महमित मोसेरा भाई है, कोई दुश्मन तो नहीं है। अरे कैसा भाई है तुम्हारा, महीनों हो गए आज तक एक फोन भी नहीं किया और ना ही हमारी बेटी से कोई बात कराई। आपने वहाँ जाकर बेटी से मिलने के लिए कहा तो बाहर जाने का बहाना बना दिया, जबकि विनोद कह रहा था वो बाहर गया ही नहीं। ऐसे होते हैं क्या भाई? सुनो, आप वहाँ जल्दी से चलने का इंतजाम करो, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या करें बेटा, मेरी कोई सुनता थोड़ी है। मैंने तो पूजा से भी पूछा था लेकिन उसने सीधे मुंह बात ही नहीं करी, उल्टे मुझको ही समझाने लगी। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने वाले। उस बच्ची का सारा शरीर चोटों से भरा हुआ है और ऐसा लगता है बात बात पर उस बच्ची का सिर दीवार से दे मारती हूँ, मेरे तो कलेजा कांप जाता है। अरे तो कोई कुछ करता क्यों नहीं है? विनय से बात की तुमने? पुलिस कचहरी का चक्कर बताकर पल्ला झाड़ लिया उन्होंने, अगर मैं कोई एक्शन लूंगी तो मेरा ही जीना दुभर कर देंगे ये लोग। अरे एक बार घर से बाहर रमेश को रोक के कोई प्रेम से पूछे तो उसको, आखिर बात क्या है, क्या परेशानी है? ठीक तो है, कभी कभी व्यक्ति अपने तनाव से इतना घिर जाता है कि उसे हिंसा अपनाकर ही सुकून मिलता है। मैं कोशिश करती हूँ कल सुबह ये रमेश से बात करें। जरूरत पड़ी तो हम लोग भी आ जाएंगे। ठीक है माँ जी, शायद कोई रास्ता निकल आए। अब ना पंचतंत्र की कहानियां रही और ना ही नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले वे लोग। पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण, टेलीविजन के माध्यम से दिन रात घरों घर जो सेक्स परोसा जा रहा है, उसने कहीं ना कहीं इस देश के खास वर्ग के मनोमस्तिष्क को इतना विकृत कर दिया है कि आए दिन दैहिक शोषण, गैंग रेप, मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार कर हत्या करने जैसी घटनाएं हर 2-4 घंटे में लगातार हो रही है, क्योंकि इस पर अंकुश लगाए जाने की कोई भी व्यवस्था दूर दूर तक नजर नहीं आती। इसी की एक भयानक परछाई है एक 6 साल की बच्ची पर होने वाली अमानवीय क्रूरता। और भाई रमेश, क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं देते? अरे कुछ नहीं यार, बस बिजी रहता हूँ। और भाभी जी की तबीयत कैसी है? टाइम लगेगा ठीक होने, पेट का मेजर ऑपरेशन हुआ है। तब तो बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। अच्छा यह मतलब कि शीला मुझे बता रही थी कि जिस बच्ची को तुमने गोद लिया है क्या उसकी तबीयत भी खराब रहती है? शीला भाभी को किसने कहा? बात दरअसल यह है कि शीला ने कई बार उस बच्ची की जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनी है। मिस्टर विनय, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी मिसेस का ध्यान मेरे घर की तरफ ज्यादा रहता है? अरे नहीं यार, बच्ची जब जोर जोर से चीखती है ना तो हमें भी तकलीफ होती है। तुम्हारा मतलब ये है कि हम लोगों का दिमाग फिर गया है, हम लोग उस बच्ची को दिन रात मारते पीटते हैं। भाई रमेश, मारने पीटने की बात तो ये तुम कर रहे हो, मैं तो सोचता हो सकता है कि बच्ची को और कोई तकलीफ हो और उस पर आप लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हो। अभी तो बच्ची बेहद छोटी है। अरे मैं तो इंसानियत के नाते। तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे ये सिखाएंगे कि बच्ची पे ध्यान कैसे दिया जाए, उसको कोई भी तकलीफ हो सकती है, और आप हमें ये समझाएंगे कि बच्ची बेहद छोटी है क्योंकि हम लोगों की आंखें नहीं, हमें कुछ दिखाई जो नहीं देता। तुम सिखाओगे मुझे इंसानियत, यही शराफत है तुम्हारी?
क्या बात है रमेश, सुबह सुबह इतना गर्म क्यों हो रहे हो? अरे सुरेश भाई, अब ये सिखाएंगे मुझे इंसानियत। एक तो सरेराम मुझे रोककर मेरे ही घरेलू मामलों में उंगली करते हैं, दिन रात मेरे घर पे नजर रखते हैं। मेरे घर पे क्या हो रहा है उसकी फिक्र इनको और इनकी बीवी को जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि हम लोग अंधे जो ठहरे। अरे हटा ना विनय, तेरे को क्या लेना देना है? जो आग खाते है ना वो अक्सर अंगारे उगलते हैं, और आग किसी की सगी नहीं होती। आग तो लग ही चुकी है, बस अब मुझे धुएं का इंतजार रहेगा। गुड बाय रमेश, गुड बाय। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वे लोग बिल्कुल लट किस्म के लोग हैं, जट दिमाग के लोग हैं, औना घड़ा है साला। वो अपनी गलती मानने तैयार ही नहीं। किसी तीसरे आदमी से मेरी शिकायत कर रहा था। पर इसका मतलब तुम ये तो मानते हो ना कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। निश्चित है, 100% है। लेकिन ऐसे लोगों से हम और आप नहीं जीत सकते। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि कल को वो कोई बवाल खड़ा कर दे और हम लोगों का नाम फंसा दे। ऐसे कैसे फंसा देगा? उसकी हरकतों को यहाँ रहने वाला हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन कोई आगे आना नहीं चाहता, सभी इसी इंतजार में कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। अगर एक भी शख्स मेरे साथ आकर खड़ा हो जाता तो साले की बोलती बंद कर देता। लेकिन नहीं, सब सारे के सारे अपने अपने घरों में बैठकर तमाशा देख रहे थे। अरे ज्यादा सभ्यता भी इंसान को कायर बना देती है। ये सर, जी जी मैं अभी आया, मैं जरा आता हूँ।